पर्सनालिटीज में आपका स्वागत है। हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिनका 3 सदियों से नाता है। 1 सदी वो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें एक शानदार विरासत के रूप में सौंपी, 2री सदी वो जिसमें हम पैदा हुए, पले बढ़े, और 3री सदी ये जिसमें हम ये कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। हमारा गौरवशाली अतीत हमारे शानदार भविष्य का संपोषक है। हमारी मिट्टी में जन्मे वो लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लिए आज भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के समूचे जीवन वृत्त पर आधारित यह कार्यक्रम हमारा आप लोगों के लिए एक विनम्र प्रयास है। शायरे इनकलाब हजरत हफीज मेरठी एक ऐसी हस्ती का नाम है जिस पर न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। 10 जनवरी 1922 को हकीम मोहम्मद इब्राहिम तथा फातिमा बेगम के घर रोशन हुआ ये चिराग बाद में हफीज मेरठी के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। नई शताब्दी के आने पर मैं सभी लोगों को नए वर्ष, नई सदी, नया सहस्राब्दि के लिए जो है मैं बधाई देता हूँ। इस अवसर पर एक नया प्रयास, नवीन प्रयास, एक नई खोज जो है हम आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं। श्री पीके आर्या हमारे जो युवा पत्रकार हैं उनकी पूरी टीम, इन्होंने मिलेनियम पर्सनैलिटी के नाम से कार्यक्रम एक प्रोड्यूस किया है जिसमें मेरठ व मेरठ के आसपास जन्मे हमारे जो सितारे हैं, हमारे जो महानुभाव हैं, हमारे जो महान व्यक्ति हैं, उनकी उनका जीवन दर्पण जो है आपके सामने वो लाने का प्रयास करेंगे। मैं उनको बधाई दूंगा कि वो इस कार्य में सफल हो, आगे बढ़ें और जो हमारा इतिहास है उसके हर पन्ने को बहुत साफ रूप से आपके सामने लाने में वो सफल हो, ये मेरी निश्चित कामना है। धन्यवाद। मेरठ हापो मार्ग पर इंदिरा चौक से चंद कदमों के फासले पर स्थित मोहल्ला कोरवा शेखलाल में हफीज मेरठी ने अपनी जिंदगी बसर की। हफीज ने अपने कैरियर की शुरुआत काशीनाथ वकील के यहाँ मुंशी के रूप में की थी। 1942 में शाबरा बेगम से हफीज का पहला निकाह हुआ जो बीमारी के कारण सन 1950 में अल्लाह को प्यारी हो गई। सन 1952 में सरधना निवासी फहमीदा बेगम से उनका दूसरा निकाह हुआ। फहमीदा का बाद में कत्ल कर दिया गया। ये जो मकान आप देख रहे हैं ये उन लम्हों का खामोश गवाह है जो हफीज साहब की जिंदगी से गहरे ताल्लुक रखते हैं। अपनी काबिलियत व शायरी के बलबूते दुनिया के दिलों पर राज करने वाला ये बेताज बादशाह तमाम उम्र किराए के मकान में सांसें लेता रहा। जिंदगी की तरफ सच्चाइयां हफीज की शायरी का हिस्सा रही, तभी तो उन्होंने कहा, बस यही दौड़ है आज के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। सन 1998 में हफीज मेरठी की गजलों का एक संग्रह गहराइयां नाम से छपा। इसका संपादन वरिष्ठ पत्रकार शाहिद ए चौधरी ने किया। ये पुस्तक गजल व शेर व शायरी में दिलचस्पी रखने वाले हिंदी पाठकों के लिए बेशकीमती तोहफा है। हफीज मेरठी के इस दीवान पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज नई दिल्ली द्वारा जनवरी 1999 में फेलोशिप प्रदान की गई। हफीज मेरठी के पुराने रिसालों पर आधारित गजलों की एक पुस्तक शेरो शऊर 1970 में छपी थी। 1987 में उनकी गजलों पर एक दीवान छपा जिसका नाम था मतायर आखिरी शब्द। तो शुरू से ही मैंने एक तो उसे बहुत सादा देखा, कभी कोई फरेब झूठ ये कुछ नहीं है। तो मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि ये इंसान अच्छा है, शायर अच्छा है। हफीज मेरठी के लिए कभी लालच नहीं, कुछ नहीं है। उसने तमाम दुनिया में मेरठ का नाम उजागर किया,
लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी सरकार ने उसके साथ कुछ नहीं किया। और एक आध दफा कुछ किया तो उसमें लिखकर आया कि बतौर इमदाद आपको दे रहे हैं, तो वो उन्होंने वापस कर दिया कि बतौर इमदाद मैं नहीं लेने का। हफीज मेरठी की पूरी जिंदगी हादसों व वक्त के जालिम थपेड़ों के बीच हिचकोले खाती रही। इस सीलन भरे प्रदूषित कमरे में हफीज मेरठी जीवन भर खूबसूरत कलाम लिखने में मसरूफ रहे। हफीज मेरठी जीवन भर मुफलिसी व तंगहाली का शिकार रहे, इसके बावजूद हफीज ने अपनी खुददारी को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने कहा भी, अंधो बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। हफीज मेरठी जब पैसे पैसे को मोहताज थे तब भी उनका जमीर पुरवकार रहा। उन्होंने एक बार लाखों रुपया महज इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसे इमदाद कह दिया गया था। हफीज मेरठी अथाह तारीखियों में घिरकर भी ये नहीं भूले कि वे नूर के सफीर हैं। मुझे खुशी है कि मेरठ के एक नौजवान पत्रकार पीके आर्या मिलेनियम परसेंटेज पर धारावाहिक एक कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी और उनके लिए कुछ महान या महापुरुष लोग आदर्श भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस देश के लोग अपने देश की महापुरुषों के इतिहास को भूल जाते या भुला देते हैं, वो देश है या वो देश की पीढ़ी कभी अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। और जिन जिन देशों ने या जिन कौमों ने अपने महापुरुषों के या पुरुषों के आदर्शों को मिटाया है या भूल गए हैं, वो देश हमेशा नेस्ता नाबूद हुए हैं। इसलिए एक पीके आर्या जी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं देश की जनता से भी अपील करेंगे, उनके इस धारावाहिक कार्यक्रम को जरूर देखें। मयार जिंदगी को उठाने के शौक में किरदार पस्तियों से भी नीचे गिरा दिया, ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में जरा, दुनिया से हमने क्या लिया, दुनिया को क्या दिया। दुनिया भर को अपनी कलम की चमक से रोशन करने वाले इस फनकार को समाज की चकाचौंध कभी रास नहीं आई। वे जब कुछ नहीं थे तब भी उसी घर उसी मोहल्ले में रहते रहे, और जब दुनिया उन्हें हफीज मेरठी के रूप में सलाम बजा रही थी तब भी उन्होंने अपनी मौलिकता नहीं खोई। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं इसी मकान में रहता हूँ, और पैदाइशी यहाँ पैदाइशी मेरी यहाँ की है। और हफीज साहब को पैदाइश के बाद ही जब से वो संभाल आया तब पूरी अच्छी तरह जानता हूँ। लोग बाग इनके बारे में एक ऐसी शख्सियत बताते हैं कि जैसे फरिश्ता जात है। इनकी कोई सानी नहीं है, मोहल्ले में कोई इनकी झगड़े की मिसाल नहीं है। बशीर अहमद मेरा नाम है, पूर्वा सेखलाल का रहने वाला हूँ, 182 मेरा मकान नंबर है। हफीज साहब बहुत बड़े आदमी हैं, ये छोटे को खुद सलाम करते हैं छोटे बड़ों को, इनकी तो तारीफ की कोई खाए नहीं है, इतनी भी तारीफ करी जा थोड़ी है। इन्हें भी पिछले दिनों एक इनाम मिलने वाला था, इनाम किसी ने भेजा था 1,00,000 का, इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने वापस कर दिया कि हम पब्लिक के सामने लेंगे, जो लेंगे हम नहीं लेते ऐसे। बहुत संभाला हफीज साहब यहीं रहे जी, और इनके तो बेचारों की तारीफ बस क्या करें तारीफ। एक आदमी हमसे छूट रहा है साहब महल्ले में, जिसकी कोई वो ही नहीं कमी नहीं, जितनी भी तारीफ करी जाए बस थोड़ी है। इसकी कदर नहीं जानी महल्ले वालों नहीं कि ऐसा हमारे बीच में भी आदमी रह रहा कोई ऐसा। हफीज मेरठी को इमरजेंसी में कई बार जेल जाना पड़ा, तब
जब उस सहमे हुए दौर में साहित्यिक दुनिया के सारे अलमबरदारों के कलमें सहम कर दुबकी पड़ी थी, तो ये हफीज मेरठी ही थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ खुलकर लिखा। हफीज मेरठी साहब ने हम जैसे लोगों को, हमारे दौर के लोगों को एक चीज सिखाई है, वो है खुददारी। कैसी भी मुसीबत हो, बड़े शौक से आए, कम ज़र्फ़ के एहसान से अल्लाह बचाए, इस तरह के उनके अशार हैं जिससे हमें एक सबक मिलता है। और मैं तो ये भी उन्हें करीब से जानता हूँ कि हम लोगों ने एक मुशायरा भी उन्हें उसमें किया। उनके हालात बहुत ख़राब थे, कोशिश की कि उन्हें कुछ मराद दें, तो किसी की कोई हिम्मत ये नहीं थी कि यहाँ से उन्हें पैसा दिया जा सके। तो फिर एक उनके ऑनर में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, और उस मुशायरे में मैं दो नाम बहुत ज़रूरी जोड़ना चाहता हूँ। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे सेठ साहब, और SSP थे डॉक्टर कश्मीर सिंह। उन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की, मैं उसमें कन्वीनर था, और वो मुशायरा किया गया। उसमें 1,00,000 उन्हें दिया, रुपया दिया गया, तो उन्होंने वो मंजूरी दी और वो रुपया उन्होंने ले लिया। तो ऐसे खुददार आदमी जिसके पास बहुत बुरी हालत हो और पैसा ना लें, मुझे ये खुददार लोग इस दौर में मौजूद हों, ये हम लोगों के लिए, मेरठ के लिए बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि हफीज़ मेरठी का नाम से मेरठ भी जाना जाता है। कुछ लोगों को मैंने ये तक कहते सुना है उनके बारे में कि हम लोग बड़े फख्र से ये कह सकते हैं कि हमने हफीज़ को देखा है। हम अपने बच्चों से कहेंगे कि हमने हफीज़ को देखा है। कलाकार या फनकार कोई भी किसी फील्ड में हो, उसके पास उसकी एक ही धरोहर होती है, वो है उसकी खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान। उसका भरपूर अगर कहीं जिंदा मिसाल है तो हफीज साहब हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है। मैंने बहुत पहले उन्हें सुना था और उसी दिन से मैं उनके उस शेर का बड़ा मुरीद हुआ था, वो मैं यूं रहजन के बदले पासवां पर वार करता हूँ, मेरे घर की तबाही है निगेबानों से वाबस्ता। मेरठ का दुर्भाग्य है कि मतलब एक महान, ऐसे महान व्यक्ति को जिस कि शायरी और कलाम में इतनी जान है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरठ में निभा सकता था, उसे मात्र हमने 100 पीस बना के या सिर्फ अपने नाम अखबारों में छपवाने का माध्यम बनाकर रख छोड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा। किस्मत ने हफीज साहब के साथ अजीब आंख में चोली खेली, वक्त के जालिम हाथों ने उनका एक वर्ष इकलौता बेटा भी छीन लिया। वो मुफलसी और देखभाल के अभाव में तब चल बसा था जब सरकार ने उन्हें जेल में डाल रखा था। सादगी और भोलापन हफीज साहब के पूरे परिवार के खून में रचा बसा है, तभी तो उनकी एकमात्र पुत्री हसीन गजाला उनके कंट्रोलर पद को कमिश्नर बताती हैं। जी, मेरा नाम हसीन गजाला है, मैं हफीज साहब की बेटी हूँ। जिंदगी बहुत सादगी से गुजारी, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा, हर चीज़ से बहुत दौलत कमाई। उन्होंने शुरू में कमिश्नर थे वो, लेकिन उन्होंने उसको भी इस्तीफ़ा दे दिया था, जमात इस्लामी में आ गए थे। उसके बाद फैदामेंट्रो कॉलेज में क्लर्क रहे काफ़ी साल तक, उसको रिटायर हो गए। मुशायरे में काफ़ी पैसा कमाया, बाहर के मुल्कों में भी गए, अमरीका, लंदन वगैरह सब जगह बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी अपने लिए ये नहीं किया कि मैं किसी अच्छे से रहूँ, या कभी घर भी नहीं किया, हमेशा किराए के घर में रहे। मिलेनियम पर्सनैलिटी की टीम के इंटरव्यू के समय हफीज मेरठी काफ़ी बीमार थे। इस तरह के इंसान इस दुनिया में बेहद कम हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में भी समाज की, मिलने जुलने वालों की व दीन व ईमान की इतनी फिक्र रखते हों। अपने जीवन के अंतिम दौर में भी हफीज साहब समाज व देश के हालात पर संजीदा थे। उन्हें लोगों में बढ़ रही खुदगर्जी कचोटती रही। उनकी चिंता थी कि आदमी जहां बैठा है वहीं लूट खसोट में लगा है। इस रहबराने कौम की क्या पैरवी करें जो रहबरी के नाम पर राहजनी करें। उसका वहाँ का मामला ठीक कर देना आखिरत का,
सुनी है तो बता दीजिए। मुझे बस माना था मेरा मामला ठीक कर दे, मेरे तोबा कबूल कर ले, मेरे खताएं माफ कर दे, मेरे बुरा वक्त सब लोग खुश रहे, मेरे सब चाहने वाले मेरे मेरे गमखार सबको अल्लाह खुश रखे, सबको खुश रखे, सब तो मुकासम कामयाब रहे। हमसे बड़ी मोहब्बत है, लोगों ने मुझे बहुत नवाजा, मैं इस काबिल नहीं था, मैं बहुत नवाजा, मेरा छोटा उसको जरा खैर दे, उनको नेक बदला देने वाला मेरे साथ ने की मेरी खिदमत की कुछ बारे में फरमाया, सब लोगों को खाली अच्छा रहे, सब लोगों को खुश रहे, सब लोग अच्छा रहे। जनवरी सन 2000 ईद के पाक व मुकद्दस रोज़ हफीज़ साहब जन्नत नशी हो गए। हफीज़ मेरठी अपने पीछे छोड़ गए हैं शेर व शायरी का अनमोल खजाना तथा हजारों रोते बिलकते अपने प्रशंसकों की भीड़। जितनी भी खूबियां हैं वो उन लोगों की मेहनत का नतीजा है जो अलग अलग मोर्चों पर हमसे जुड़े हैं, और जितनी भी खामियां हैं वो मेरी अपनी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। आपके अमूल्य सुझावों व मार्गदर्शन की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार। आज कुछ ऐसा दे।